Hello, good morning to all of you. We are discussing the unit 4 topic of the dealing with people, team building and leadership in project. यही हम लोग जो है अभी डील कर रहे हैं. तो इन द केस ऑफ द सेकेंड फेज स्टॉर्मिंग स्टेज ऑफ द टीम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू इफेक्टिव टीम बिल्डिंग. कम्युनिकेशन जो है बहुत जरूरी है इफेक्टिव टीम बिल्डिंग के लिए. एंड इफेक्टिव टीम कम्युनिकेट क्लियरली एंड ओपनली अबाउट द प्रॉब्लम्स. वो प्रॉब्लम्स को क्लियर और इफेक्टिव बताता है, तभी जो है प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलता है. इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन काउज अननेसेसरी टेंशन. अगर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है तो अननेसेसरी टेंशन वो क्रिएट करता है एंड स्ट्रेस टू द टीम मेंबर, टीम मेंबर को वो क्रिएट करता है. इसीलिए जो है कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ द टीम बिल्डिंग. एंड देन एस्टैब्लिशिंग द टीम नॉर्म्स. टीम नॉर्म्स जो है आपको बनाना जरूरी है. जो व्हाट आर द रोल्स ऑफ द टीम, व्हाट आर द राइट्स, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द टीम मेंबर्स. टीम मेंबर का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या राइट्स है, इसको बनाना उसको जरूरी होता है. एलोकेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द टीम मेंबर. एलोकेट द रिस्क दैट इज टेकन बाय द ईच टीम मेंबर. ईच मेंबर ऑफ टीम शुड हैव ए सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट. सेंस ऑफ ओनरशिप उसको प्रोजेक्ट का होना चाहिए. इसके बारे में नॉर्म्स जो है आपको बनाना जरूरी है आपको टीम बिल्डिंग में, टीम बिल्डिंग में. एंड दिस इज द केस ऑफ द इफेक्टिव प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. टीम परफॉर्मेंस स्टेज. व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम इज देयर. टीम का परफॉर्मेंस क्या है. देन प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड टीम डिसबैंडिंग स्टेज. इन द केस ऑफ द लास्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन आपको टीम किस तरह जो है खत्म किया जाए, लीडरशिप जो है किस तरह खत्म होगा. हैंस द लीडरशिप स्टाइल कैन बी. सर हाँ बताइए. अटेंडेंस ले लो. हाँ अटेंडेंस तो ले लेंगे. अभी बच्चे आए नहीं है, अभी आए नहीं है. आठ रात नौ ही है तो फिर दोबारा लेंगे, दो बार अटेंडेंस ले लेंगे. ठीक है. स्ट्रॉन्ग और एथिकल लीडरशिप होना चाहिए. एंड गुड आफ्टरनून सर. आफ्टरनून आफ्टरनून. कॉर्पोरेट कल्चर होना चाहिए एंड टू द कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स ये आपको होना चाहिए. दूसरा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर. प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या फंक्शन है. इन द केस ऑफ द टीम बिल्डिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर ये आपको क्या है. डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या है. वी विल स्टडी टूडे अबाउट दैट. डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी ये जो है आपको टीम बिल्डिंग में जरूरी है. बिल्डिंग द प्रोजेक्ट टीम जरूरी है. सिलेक्टिंग योर ओन टीम वो जरूरी है. सेट द टोन एंड ग्राउंडेड रूल्स ये जरूरी है. एंड सेटिंग क्लियर गोल्स ये आपको जरूरी है. अचीवेबल ईयरली गोल्स ये आपको जरूरी है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो आपको जरूरी है. प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ये आपको जरूरी है. आपको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या क्या कौन किससे सबोर्डिनेट कौन है, कौन सुपीरियर है ये आपको जरूरी है. देन एग्जांपल ऑफ ए प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फीचर ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. एडवांटेज ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. एंड प्रोजेक्ट टीम एंड ह्यूमन फैक्टर व्हाट विल बी द रोल देयर. हेंस दिस इज द इफेक्टिव टीम बिल्डिंग इन द केस ऑफ द बेनी ऑफ द प्रोजेक्ट इज नेसेसरी. है ना. तो प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या क्या फंक्शन है ये आपको यहां पर दिया हुआ है. ए प्रोजेक्ट मैनेजर हैज टू डिलीवर द परफॉर्मेंस विद द बेटर सक्सेस स्टेट. एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है परफॉर्मेंस को डिलीवर करता है एक अच्छे सक्सेस रेट के द्वारा. ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग इन टच विद द क्लाइंट्स. क्लाइंट के साथ में टच रखता है. वो हैव असाइंड द प्रोजेक्ट जो जिसने प्रोजेक्ट असाइन किया है टू हिज कंपनी. एंड मेक अवेयर ऑफ द स्टेटस ऑफ द वर्क फिनिश्ड.
ये स्टेटस को हमेशा वो मेंटेन करता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑलवेज कीप इन टच विद द क्लाइंट्स हु हैव असाइंड द प्रोजेक्ट टू हिज कंपनी एंड मेक देम अवेयर स्टेटस ऑफ द वर्क फिनिश्ड. इट शुड बी एबल टू लीड हिज टीम एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देम. उसको एक अच्छा टीम बनाने में और ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ देम ये आपको जरूरी है. ए प्रोजेक्ट मैनेजर यू ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ए गुड डायलॉग एंड कम्युनिकेशन. जब तक गुड डायलॉग एंड कम्युनिकेशन नहीं होगा विद द टीम मेंबर, सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट विल बी नॉट देयर. इसीलिए इफेक्टिव गुड डायलॉग बिटवीन कम्युनिकेशन वो जरूरी है टीम मेंबर के साथ में, प्रोजेक्ट मैनेजर का, प्रोजेक्ट मैनेजर का टीम मैनेजर के साथ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन गुड डायलॉग सक्सेस के लिए जरूरी है. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म इफिशियंटली एंड होनेस्टली. प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इफिशियंटली एंड होनेस्टली काम करना बहुत जरूरी है. वर्च्यू ऑफ बीइंग ए मैनेजर ही हैज टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंसिबिलिटी भी उसको रखना जरूरी है. हर एक चीज को कॉन्फिडेंस में रखना आपको उसको जरूरी है. ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग इजी कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द हायर अथॉरिटी. वो आपको रेस्पॉन्सिबल है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द हायर अथॉरिटी. इसके बीच में आपको कम्युनिकेशन वो रखता है. इन केस ऑफ द इमरजेंसी ही शुड बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द टीम मेंबर. टीम मेंबर के साथ में आपको प्रॉब्लम को वो आपको सॉल्व करता है. तो ये उसमें आपको जरूरी है. ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एकम्प्लिशिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम, सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट. वो आपको रेस्पॉन्सिबल है प्रोजेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के लिए, आउटकम को डिफाइन करने के लिए. दी आर द फंक्शंस ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर हैज देयर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. उसको रोल्स होते हैं, उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं. क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे आपको उसमें आपको क्लियर होगा. डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में आपको क्या फर्क है. ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड. देयर इज अ फाइन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू. ड्यूटी इज ए टास्क परफॉर्म्ड बाय पर्सन आउट ऑफ हिज जॉब प्रोफाइल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑब्लिगेशन फॉर हिज अकाउंटेबल. ड्यूटी का मतलब है टास्क परफॉर्म बाय द पर्सन और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन फॉर हिज अकाउंटेबल. ऑब्लिगेशन जिसके लिए वो अकाउंटेबल है. ऑल ड्यूटीज मे नॉट बी रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये सारे ड्यूटीज जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकते हैं. बट ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी आर ड्यूटीज. लेकिन जितने भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको आपको ड्यूटी होंगे. ये आपको डिफरेंस है ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का. डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी. जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अथॉरिटी डेलीगेट करता है टू द राइट मेक डिसीजन एंड टेक द सबोर्डिनेट्स इनटू द कमांड कंफर्म विद द डिसीजन. वो उसके साथ में आपको अथॉरिटी डेलीगेट करता है. अथॉरिटी इज ए की टू मैनेजरियल जॉब. ये हाई जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है हर एक टीम मेंबर के साथ में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको ड्यूटीज वो सारा आपको डेलीगेट करता है. द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज टू सबोर्डिनेट. सबोर्डिनेट को अपना ड्यूटीज असाइन करता है. डेलीगेटिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ अथॉरिटी टू सबोर्डिनेट. अमाउंट ऑफ अथॉरिटी टू द सबोर्डिनेट टू इनेबल देम टू डिस्चार्ज द ड्यूटी असाइन टू देम. एजम्पशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय द सबोर्डिनेट. वो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम करता है सबोर्डिनेट का. तो ये सारे उसमें जो है आपको एजम्पशन आपका रूल रेस्पॉन्सिबिलिटी है. बिल्डिंग द प्रोजेक्ट टीम. प्रोजेक्ट टीम बनाना जरूरी है ना. कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए उसमें टीम बनाना जरूरी है. टीम फॉर द लाइफ ऑफ ए प्रोजेक्ट. जब तक आपका लाइफ रहता है प्रोजेक्ट का तब तक आपको जरूरी है. इनटू वेल फंक्शनिंग. सर एक बार अटेंडेंस लगा लो. अटेंडेंस लगा दें. बच्चे अभी पूरे आए नहीं है. ठीक है मैं लगा देता हूँ. शुभम सिंह 143.
रजनीश कुशवाहा जी 134, योगेश 167L, अर्जुन देव जी 104, अतुल दीक्षित जी 106, फैजान हाशमी जी 111, फ्रांसू जी 112, गुरदीप रावत जी 114, कुंदन कुमार जी 163L, मुकुल 121, पवन 121, योगेश 167, सौरभ 145, अनुराग 161, गुरुराज ओबराय, निखिल 122, शुभम सिंह 143, योगेश 150, ये सारे आज प्रेजेंट हैं। ये इन सभी का अटेंडेंस जो है वो बन गया, योगेश 150, शुभम सिंह 143, रजनीश कुशवाहा जी 134, निखिल जी 122, गुरुराज ओबराय जी 115, अनुराग 161, सौरभ 145, पवन 127, कुंदन कुमार 163, गुरदीप 114, फ्रांसू 112, फैजान हाशमी 111, अतुल लिच्छित 106, अर्जुन देव 104, दीपक 110, सर मेरी नहीं लगाई 167। हाँ लग गई, लग गई। ओके सर। एक 110 भी लगा देना सर। लग गई सबकी। मैं फिर से बता देता हूं, दीपक 110, अर्जुन देव जी 104, अतुल दीक्षित 106, फैजान जी 111, फ्रांसू 112, कुंदन कुमार जी 163, पवन 127, सौरभ जी 145, योगेश जी 167, गुरुराज ओबराय जी, निखिल जी, रजनीश कुशवाहा जी एंड योगेश जी। तो इफेक्टिव टीम बिल्डिंग में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें सिलेक्शन ऑफ द टीम मेंबर इज एसेंशियल। जो पोटेंशियल आदमी है उसी का सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया आप फिट रखिए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया आप जो है अच्छा रखिए, जो कंसर्न पर्सन है, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है उस फील्ड में, उसको आप टीम में रखिए। ये आपको टीम बिल्डिंग के लिए जरूरी है। सेट द टोन एंड ग्राउंड रूल्स, ग्राउंड रूल्स बनाइए जिससे कि कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। रिमूविंग द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट अमंग द टीम मेंबर, वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए। ड्यूटीज चार्ट, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब स्पेसिफिकेशन वो टीम मेंबर को देना चाहिए जिससे कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो किसी तरह का, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है कन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसके लिए जो है वो आपको जरूरी है। सेटिंग द क्लियर गोल्स ऑफ द टीम मेंबर्स, ये आपको नेसेसरी है। हर एक मेंबर को मैनेजर अपना टीम का गोल अचीव गोल करने के लिए, हर एक तरह का उसको क्या गोल है उसको अचीव करने के लिए सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड कर दे, तो ये जरूरी है। अचीव ईयरली गोल्स, पहले आपको जो जो टीम में स्पिरिट ऑन इंथोनिज्म बनाने के लिए पहला जो गोल्स जो सेट किया हुआ है वो सेट कंप्लीट हुआ ही नहीं हुआ, ये सारा अचीविंग ईयरली गोल्स जरूरी है। कम्युनिकेशन इज ए टू मच इम्पोर्टेंट पार्ट, मैंने अभी भी बताया कि कम्युनिकेशन अगर नहीं होता है तो
तो आदमी को टेंशन होता है, आदमी को फ्रस्ट्रेशन होता है, जो टीम में आदमी है उसको फ्रस्ट्रेशन होता है। Hence, daily importance communication must be given among the two member. Faster competition encourages the foster the cooperation and not competition. Communication will come naturally if it is everyone's one interest. जब उसको interest होता है तो आपको communication होता है. This is the communication. Project organization में जो आपको पर्सन है सभी का नाम रखना आपको जरूरी है, पार्टिकुलरली ऑफ द ग्रीन फील्ड वो आपको जरूरी है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना जरूरी है ना, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको बनाना जरूरी है। उसमें डायरेक्टर का क्या रोल है, प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल है ना, हु इज द प्रोजेक्ट मैनेजर, हु इज द सॉफ्टवेयर इंचार्ज, हु इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ डू यू मीन, ये सारे उसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्लियर जो है आपको कन्विंस करना जरूरी है कि कौन क्या काम करेगा, है ना। रिस्क मैनेजमेंट इसमें आपको जरूरी है। एग्जाम्पल ऑफ द प्योर प्रोजेक्ट और स्ट्रक्चर, ये आपको जरूरी है कि भाई प्योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है क्या, प्योर ऑर्गेनाइजेशन है क्या, उसका टास्क फोर्स क्या चाहिए, ये सारे उसमें आपको वो आपको जरूरी है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का टेबल आपको समझाया गया है। प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट ए होगा उसका मैनेजर कौन है, प्रोजेक्ट बी होगा उसका मैनेजर कौन है, प्रोजेक्ट सी होगा इसका कौन कौन इन्वॉल्व है, प्रोजेक्ट डी होगा ये आपका कौन कौन इन्वॉल्व है, प्रोजेक्ट ई होगा ये आपको आपको इन्वॉल्व है, ये आपको परचेज मैनेजर कौन होगा, प्रोडक्शन मैनेजर कौन होगा, आरएनडी मैनेजर कौन होगा, मार्केटिंग मैनेजर कौन होगा, फाइनेंस मैनेजर कौन होगा, ये इसमें हर एक प्रोजेक्ट के लिए वो आपको ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको बताना जरूरी है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में ये आपको जरूरी है। दिस इज नॉन एज द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये दिस इज नॉन एज द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। दिस वॉज इंट्रोड्यूस इन यूएसए इन 1960। इट इज यूज टू सॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम इन एरोस्पेस इंडस्ट्री। सबसे पहली बार यूएसए में 1960 में आपको ये आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको हुआ था एंड इसकी प्रॉब्लम को एरोस्पेस इंडस्ट्री में सॉल्व किया गया था। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड फंक्शनल एंड द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट फंक्शंस इज देयर, परचेज इज देयर, प्रोडक्शन इज देयर, आरएनडी इज देयर, ईच फंक्शन हैज ए फंक्शनल पर्सनल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को जानना जरूरी है। फीचर ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ना, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल मैनेजर हैज अथॉरिटी टू ओवर द टेक्निकल फंक्शन एक्सपर्ट देयर, दीज आर द फंक्शनल मैनेजर इज देयर, ही डिसाइड हाउ टू डू द वर्क, फंक्शनल मैनेजर डिसाइड करेगा, ही डिस्ट्रीब्यूट द प्रोजेक्ट वर्क अमोंग इट्स सबऑर्डिनेट्स, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ही लुक्स आफ्टर द ऑपरेशनल एस्पेक्ट, ये सारे फंक्शनल मैनेजर का काम है, ये सारे फंक्शनल मैनेजर का आपको ये काम है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे आपको दिया गया है, डिसाइड्स व्हाट टू डू, क्या करना है वो बताएगा, ही रेस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग द प्रोजेक्ट वर्क, वो शेड्यूलिंग के लिए जो प्रोजेक्ट वर्क के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, ही कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट फंक्शनल मेंबर, वो डिफरेंट फंक्शनल मेंबर का एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है, ही इवैल्यूएट्स द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, वो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। प्रॉब्लम्स ऑफ यूटिलिटी ऑफ कमांड, यूटिलिटी ऑफ कमांड को वो बताता है, व्हाट इज द यूनिटी ऑफ कमांड इज देयर, क्या क्या जरूरी है यूनिटी ऑफ कमांड के लिए वो उसमें बताता है। ही रिमूव्स एनी ऑफ द कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, इनडिसिप्लिन, इफिशिएंसी एक्सेट्रा है ना, तो ये आपको यूनिटी ऑफ कमांड रखने के लिए वो बताता है। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन जरूरी है, स्पेशलाइजेशन किसी काम के लिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है कि वो कौन सा मैनेजर है,
वो या तो प्रोडक्शन मैनेजर है या आरएनडी मैनेजर है या अकाउंट्स मैनेजर है, वो कौन सा मैनेजर है। सूटेबिलिटी जरूरी है आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चलते रहता है और उसमें कौन सा आदमी कहाँ पे लगा हुआ है ये आपको सूटेबिलिटी वो आपको जरूरी है। एडवांटेजेस क्या है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का, साउंड डिसीजन ले सकता है। अगर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया हुआ है तो आप साउंड डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन आर टेकन बाय द एक्सपर्ट्स, देयरफॉर डिसीजन आर द वेरी गुड। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स होता है। मार्केटिंग पीपुल कैन लर्न अबाउट द फाइनेंस, फाइनेंस पीपुल कैन लर्न अबाउट द मार्केटिंग, ये आपको होता है। टॉप मैनेजमेंट कैन कंसंट्रेट ऑन स्ट्रेटजिक प्लानिंग, टॉप मैनेजर्स कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन द स्ट्रेटजिक प्लानिंग। स्ट्रेटजिक प्लानिंग जरूरी है, फ्यूचर प्लानिंग जरूरी है। ये जो टॉप मैनेजर होते हैं वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। दे कैन डेलीगेट ऑल द रूटीन रिपीटिव एंड लेस इंपॉर्टेंट वर्क टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। रेस्पॉन्ड टू द चेंजेज इन द एनवायरमेंट। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको जो चेंजेज होते हैं एनवायरमेंट में उसको खत्म करता है। स्पेशलाइजेशन को वो आपको प्रोजेक्ट करता है। इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन होता है। द फंक्शनल मैनेजर कंसंट्रेट ऑन द टेक्निकल मैटर्स। जो फंक्शनल मैनेजर है वो टेक्निकल मैटर्स में आपको कंसंट्रेट करता है। एंड प्रोजेक्ट मैनेजर कंसंट्रेट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, और प्रोजेक्ट मैनेजर स्टेटिव अपना एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में कंसंट्रेट करता है। वो स्पेशलाइज आपको इसमें स्पेशलाइजेशन आदमी हो जाता है। ये आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज विल बी देयर। मेनी प्रोजेक्ट्स आर रेट रन एट द सेम टाइम, हेंस द ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज, आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विल बी देयर। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉय वर्क एज ए टीम। एम्प्लॉय जो है टीम के अनुसार काम करता है, सो दे आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर। हायर इफिशियंसी, द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट इन ए हायर इफिशियंसी, उसमें इफिशियंसी बढ़ जाती है। आपने प्लांट में अगर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है तो प्लांट की इफिशियंसी आपको बढ़ जाती है। इट गिव्स हाई रिटर्न्स एट लोअर कॉस्ट, ये आपको फायदा है, आपको हायर इफिशियंसी उसका बढ़ जाता है। मोटिवेशन आ जाता है फैकल्टी में, जितने भी मेंबर्स हैं टीम मेंबर है उसमें मोटिवेशन हो जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। ये सारे आपको एडवांटेज हैं। चेंजेज इन एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट को चेंज कर देता है। टॉप मैनेजमेंट कंसंट्रेट ऑन स्ट्रेटजिक प्लानिंग, वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग में कंसंट्रेट करता है। डेवलपमेंट स्किल्स, आपको दूसरा मैनेजर आपको फाइनेंस, फाइनेंस पीपुल के लिए आपको डेवलप करता है। साउंड डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। लिमिटेशन ऑफ द, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज इन द वर्कलोड। वर्कलोड आपका बढ़ जाएगा क्योंकि एक स्पेशलिस्ट के रहने से सारा काम जो भी आएगा अकाउंट का वो अकाउंट पर्सन को देगा, जो आरएनडी का काम है वो आरएनडी को देगा, जो प्रोडक्शन का काम है प्रोडक्शन बड़े को देगा। इसीलिए आपको जो है आपको वर्कलोड आपको बढ़ जाता है। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट विल बी देयर। ऑपरेशन कॉस्ट इन द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन विल बी हाई, दिस इज बिकॉज लॉट ऑफ ए पेपर वर्क, रिपोर्ट्स एंड मीटिंग्स विल बी देयर। अब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, है ना, अब्सेंस ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड इज देयर। यहाँ पे आपको यूनिटी ऑफ कमांड जो है आपको नहीं होता है। फंक्शनल मैनेजर अपना काम करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर अपना अपना अलग काम करता है। ईच सबऑर्डिनेट हैज अलग अलग जो है उसमें आपको बॉसेस होते हैं, तो वो इसमें आपको ये आपको डिसएडवांटेज है। डिफिकल्टी ऑफ बैलेंस, बैलेंस नहीं हो पाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में, टेक्निकल मैटर में ये आपको बैलेंस नहीं हो पाता है। हेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्टी इन द बैलेंस इन द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। पावर स्ट्रगल है, देयर मे बी पावर स्ट्रगल बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द फंक्शनल मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर एंड फंक्शनल मैनेजर के बीच में आपको पावर स्ट्रगल होता रहता है। कोई ज्यादा इधर खींचता है, जो कोई ज्यादा उधर खींचता है, ये आपको फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच में आपको होता रहता है। मोरल इन ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, द मोरल ऑफ एम्प्लॉई इज द वेरी लो।
मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जो मोरल होता है वो काफी कम रहता है, दिस इज बिकॉज दे वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एट अ डिफरेंट टाइम। कई प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, ए बी सी डी मैंने दिखाया आपको अभी, कई प्रोजेक्ट चलते रहते हैं और डिफरेंट टाइम पे चलते रहता है, इसलिए उसका मोरल जो है वो आपको कम रहता है। कॉम्प्लेक्सिटी में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा शिफ्टिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल हो जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंक्शन मैनेजर अपना देखता है एंड ही ब्लेम द फंक्शनल मैनेजर फॉर द फेल्यूअर, वो फंक्शनल मैनेजर को वो फेल्यूअर के लिए जिम्मेदार बताता है। दी आर द लिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, ये जो है लिमिटेशंस है आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का, है ना। ये इसमें कीवर्ड्स भी दिए हुए हैं आपको, इसमें असाइनमेंट भी आपको दिया हुआ है। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर, लिस्ट एंड रोल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट मैनेजर, व्हाट डू यू नो अबाउट द डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, एक्सप्लेन अबाउट बिल्डिंग द प्रोजेक्ट टीम, डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब अबाउट द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन अबाउट द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट टीम एंड द ह्यूमन फैक्टर। ये सारे असाइनमेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, जो भी इसमें पसंद आ रहा है ना, तो वो आप जो है उसमें आप उसमें जवाब करके भेजिए। दूसरा यहां पर सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स आपको करना है, ट्रू और फॉल्स के रूप में आपको दिया हुआ है। है ना, यहां पर इसको करिए। एस्टैब्लिशिंग द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू एट द स्टार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट ये ट्रू है या फॉल्स है इसको बताइए। Establishing the project organization is one of the more important things to do at the start of a project. है ना, true है या false है? A project organization is a model of business where project managers have total control over the project they oversee. Your project organization. Matrix organization was introduced in the UK in the early 1960s. ट्रू है या गलत है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज ए हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ट्रू है या गलत है? द फंक्शनल मैनेजर हैज अथॉरिटी ओवर द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये ट्रू है या गलत है? द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज अथॉरिटी ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये ट्रू है या गलत है? ये सेल्फ असेसमेंट अभी आप भैया जो है, भैया नहीं है जो, ये कौन आया लड़का? ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैज टू डिलीवर द परफॉर्मेंस विद बेटर सक्सेस रेट, ही रिस्पॉन्सिबल फिर फॉर कीपिंग इन टच विद द क्लाइंट्स हु हैव असाइंड द प्रोजेक्ट टू हिज कंपनी एंड मेक देम अवेयर ऑफ द स्टेटस ऑफ द वर्क फिनिश्ड। भैया आए नहीं अभी? He should be able to lead this team and bring out the best in the team. Project manager duties and responsibility are closely related to the each other. A manager is someone who manages the 5 M's of business, namely man, material, machine, money and motivating factor. ये आपको समरी दिया हुआ है। A project manager receives a formal project management training to deal with the project. Closely related with the construction, architecture, telecommunication and other infrastructure projects. It is almost responsible to ex-aggregate the importance of communication within the organization
एनी पार्टिकुलरली विद इन द प्रोजेक्ट टीम. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन यूएसए इन द अर्ली 1960. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज ए हाइब्रिड स्ट्रक्चर. द फंक्शनल मैनेजर हैज ऑथोरिटी ओवर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट. ये सारे आपको समरी दिए हुए हैं, ये कीवर्ड दिए हुए हैं. What are the delegation of the authority? What are the functional manager? What are the hybrid structure? What are the manager? Manager वही है जो 5M business में, namely man, material, machine, money and motivating factors इस पे काम करता है, वही manager कहलाता है. Matrix organization USA में introduce हुआ था. It was used to solve the management problems in the aerospace industry. Matrix organization is a combination of two more organization structure. दो और ज्यादा organization structure के combination है. A pure organization, a pure project organization is a model of business where project managers have total control over the project they oversee. Central control at the manager level must be weak for his for this to occur. In politics, the concept of a task force that approximates the total control over the specific project of a manager, ये आपको जरूरी है, है ना? तो ये keywords आपको दिए हुए हैं, ये summary आपको बताया हुआ है. ये हो रहा है, हम तो पतले हो रहे हैं. ये आपको लिमिटेशन ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन यहां पर बताया हुआ है. चमन नेमा जी अभी इंटर कर रहे हैं. ये लिमिटेशन ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बताया हुआ है. ये एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन बताया हुआ है. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग है, क्या एडवांटेजेस है, साउंड डिसीजन ले सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स होगा, टॉप मैनेजमेंट कंसंट्रेट ऑन द स्ट्रेटजिक प्लानिंग, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट, स्पेशलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, मोटिवेशन, हायर इफिशियंसी. सर हाँ अटेंडेंस ले लो. हाँ दोबारा फिर मैं ले लेता हूं. फ्रांसु जी 1112. आकाश गुज्जर जी 102. अर्जुन देव जी 104. दीपक जी 110. फैजान हासमी जी 111. गुरुराज ओबराय जी 115. कुंदन कुमार जी 163. पवन 127. पूरक नागपाल जी 133. पूरक नागपाल जी 133. योगेश 167. सर मेरी लग गई अटेंडेंस. हाँ हाँ गुरुराज ओबराय जी की लग गई. अनुराग 161. ठीक है सर. चमन नेमाजी 162. मनोज सैनी जी. निखिल जी 122. ये सभी की महबूबा. सर जी नितेश 123.
रजनीश कुशवाहा जी 134, शुभम भारद्वाज जी 142, नितेश 123। हाँ ये हाँ लग गया उसका 123 सर। 123 एब्सेंट। नहीं नहीं लग गया, नितेश जी का लग गया सर। क्यों लगा दी? तो ये लिमिटेशन बताते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। 8 लिमिटेशंस बताया हुआ है। वर्कलोड बढ़ जाता है, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट हो जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड खत्म हो जाता है, बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, पावर स्ट्रगल चलते रहता है सभी मैनेजर्स के बीच में, मोरल उसमें डाउन हो जाता है ना, डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम चलते हैं इसलिए मोरल डाउन हो जाता है। ये जो है आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और रेस्पॉन्सिबिलिटी करता है। वहाँ पे बोतलों में पानी नहीं है, गरम उबला पानी है, बहुत सॉस वाला पानी है। फॉर द फेलोअर ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं, वो भी उनके लिए नहीं है वो पानी। ये आपको लिमिटेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो पानी नहीं चलेगा भैया, वो पानी नहीं है, वो बोतलों में पानी नहीं है भैया, होगा दवाई और बोतलों में। फीचर ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखा रहा है। तो राधे को बोल देना ले आएगा जाके, मैं बड़े भैया को फोन कर लूंगा। भैया से पूछ ले, बड़े भैया दीदी को फोन कर देता हूं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको यूएसए में 1960 में आपको शुरू हुआ था। इट यूज्ड टू सॉल्व द एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया था। ये आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें परचेज मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, आरएनडी मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, दूसरा प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी का मैनेजर है, प्रोजेक्ट सी का मैनेजर है, कई प्रोजेक्ट एक साथ चलते रहते हैं। एक प्रोजेक्ट बी ए, बी प्रोजेक्ट सी प्रोजेक्ट, डी प्रोजेक्ट ई प्रोजेक्ट, ये आपको एग्जाम्पल ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। और ये फीचर ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इसका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का। फंक्शनल मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, फंक्शनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, यूनिटी ऑफ कमांड, प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, स्पेशलाइजेशन इसमें हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, सुटेबिलिटी हो जाता है, सुटेबिलिटी हो जाता है। ये आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया गया है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो क्या है, यहाँ पर आपको बताया गया है। प्योर ऑर्गेनाइजेशन इज ए मॉडल ऑफ बिजनेस वेयर प्रोजेक्ट मैनेजर हैव अ टोटल कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट, दे ओवरसी, पूरा कंट्रोल रहता है ना, सेंट्रल कंट्रोल रहता है मैनेजर लेवल पे। प्योर प्रोजेक्ट रहता है, टास्क फोर्स कसित होता है और क्लियर जो है 1960 से 2011 के बीच में ये आपको लागू किया गया था। टास्क फोर्स गौटमेला में भी लागू किया गया है ना, मेलोल कॉलोन में भी ये लागू किया गया है। ये प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ये होना बहुत जरूरी है ना। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट प्रोजेक्ट का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में सारा वो दिया हुआ रहता है कि वर्कर कौन है, सुपरवाइजर कौन है, मैनेजर कौन है।